मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हरियाणा में हुआ उसने वाकई सिर शर्म से झुका दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया, क्या वाकई ये हरियाणा है जहां पर हम रहते हैं या फिर हैवानों का जंगल राज। ये रिपोर्ट देखिए और महसूस कीजिए कि बेटियां हरियाणा में कितनी सुरक्षित हैं। उसके बाद बड़ी बात में बड़े जिम्मेदारों से बड़े सवाल। हर बेटी की रूह को कंपा दिया है, हर पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है, हर भाई को फिक्रमंद बना दिया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कौन बेटियों का रखवाला है। क्योंकि साहब को लगता है कि रेप समाज का हिस्सा है और अनंत काल से हो रहा है। जिस तरह से ये घटनाएं सामने आई हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस को लेकर हरियाणा में, सर उसको कैसे अपन सकते हैं? देखिए, ये जो है समाज का पार्ट है, इस तरह की घटनाएं आज नहीं अनंत काल से चल रही हैं। पुलिस का काम है तफ्तीश करना, पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना, पुलिस का काम है विद एविडेंस उसको प्रूफ करना। उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, लगातार लगे हुए, आज मैं भी इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। गजब है साहब, अब क्या कहें। अगर आपको लगता है कि रेप सोसाइटी का हिस्सा है तो इस हिस्से की हकीकत जान लीजिए। कुरुक्षेत्र में 9 जनवरी को घर से ट्यूशन पढ़ने निकली लड़की गायब हो गई और जींद जिले में डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि रेप के बाद हत्या की गई। इतना ही नहीं, बच्ची के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। 13 जनवरी को पानीपत के उड़ाना कला गांव में 11 साल की बच्ची लापता हो गई। सुबह डेड बॉडी मिली। लड़की के साथ हत्या के बाद गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों ने गुनाह भी कबूल कर लिया। 13 जनवरी को ही फरीदाबाद से 4 लोगों ने लड़की को कार में अगवा कर लिया। चलती कार में 2 घंटे तक गैंगरेप किया गया और हाईवे पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस अभी तक आरोपियों का कोई सुराग लगा नहीं पाई है। 14 जनवरी को पिंजौर के रामपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ अधेड़ ने दरिंदगी की। मां ने 10 साल की बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो पता लगा और 48 साल का आरोपी पकड़ा गया। 17 जनवरी को हिसार के न्यू मॉडल टाउन में मात्र 3.5 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। 16 साल के लड़के ने मासूम के साथ दरिंदगी की। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में। 17 जनवरी को ही फरीदाबाद में 6 लोगों पर घर में बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। लेकिन कुरुक्षेत्र की बेटी की हत्या और गैंगरेप का मामला उलझ गया है। जिस लड़के को पुलिस आरोपी मान रही थी उसकी भी लाश मिल चुकी है। कांग्रेस राज्यपाल के द्वार जा पहुंची है। क्योंकि जो कानून व्यवस्था स्थिति हो गई है, पिछले 2 दिन के अंदर अंदर 5 तो रेप हो गए हैं, गैंग रेप हो गए हैं और रोज रोज इस किस्म की घटनाएं घट रही हैं, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। और कल जैसे झांसा में गए थे गांव में, शैलजा जी भी गई, मैं भी गया, वहां लोगों ने बताया कि जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से वो उचित कार्रवाई नहीं हो रही। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सर शर्म से झुक गया है, लेकिन अगर ये सब उनके कार्यकाल में हुआ होता तो क्या वो ऐसा बोल पाते या क्या इस वक्त के सीएम ऐसा बोल पाएंगे? देखिए, ये जो पिछले 2-3 दिनों में घटनाएं हुई हैं तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, वास्तव में निंदनीय है। मैं स्वयं इन घटनाओं से बड़ा आहत हूँ और मैं समझता हूँ कि इन घटनाओं के ऊपर हम पूरा सख्ती से जो इनका कार्रवाई करनी है हम कराएंगे। हमने पुलिस को एक प्रकार से निर्देश दिए हैं कि वो अपनी गश्त बढ़ाएं, जहाँ कहीं ढिलाई है उस ढिलाई को दूर करने के लिए हमने जो अधिकारी हैं उनको भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए सारी अपनी व्यवस्थाएं की हैं। क्या कोई भी राजनेता पार्टी लाइन से आगे बढ़कर बेटियों के लिए इंसाफ का रास्ता खोलने की हिम्मत दिखाएगा?
क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं ये दरिंदे भी उसी समाज का हिस्सा हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन के साथ साथ कहीं और भी सुधार की जरूरत है? अगर है तो क्या राजनेता इस समाज सुधार में साथ हैं? क्योंकि बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। बिल्कुल, बेटियां बचेंगी तो ही पढ़ेंगी, क्योंकि बेटियों को बचाने पढ़ाने के दावे भले ही किए जाते हैं लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं ये तमाम आंकड़े बोलते हैं जो कि रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाए। पिछला हफ्ता भर जो रहा हरियाणा पर काफी भारी गुजरा, अभी भी स्थिति में सुधार हो जाएगा ये सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस तरह की आशंका नहीं की जा सकती कि स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते में 6 मामले सामने आते हैं, गैंगरेप किया जाता है, रेप किया जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं और करीब करीब कई मामलों में हम कह सकते हैं एक मामले को छोड़कर यानी कि पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या बेटियां बच पाएंगी, क्या बेटियां पढ़ पाएंगी और क्या ये बात दूर हो पाएगी जो कि हरियाणा की छवि के लिए काफी खतरनाक है कि अब हरियाणा में डर लगता है ना। हरियाणा की पहचान फिलहाल के वक्त में जवान से है ना किसान से है और बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस बात के लिए हरियाणा को पूरे देश में जाना जा रहा है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, रमणीक मान हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता आप हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ हैं, प्रवीण अत्री इनेलो का पक्ष रखेंगे चर्चा में, साथ ही वीके कपूर पूर्व आईपीएस अधिकारी आप हैं, हिमांशु मुंजाल हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आप हैं और शालिनी शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता इस चर्चा में जुड़ी हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। मान साहब, क्या लगता है हरियाणा में डर लगता है, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, सरकार क्या कर रही है? देखिए ज्योति, जैसे आपका अभी पैकेज चला तो उसमें करेक्शन है कि अभी लेटेस्ट अपडेट है जो फरीदाबाद का जो मामला है उसमें दोनों अक्यूज जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, गाड़ी उनकी स्कॉर्पियो रिकवर हो चुकी है। बहरहाल जो मूल प्रश्न है आपका, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है कि बहुत छोटे स्पैन में इतना कुछ घटित हो गया है और जिसके अंदर अमानवता और रेप के बाद कत्ल तक का जो कारनामे वो सामने आ रहे हैं। देखिए जहाँ तक सरकार का सवाल है, इसके अंदर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसके ऊपर विस्तार में चर्चा आगे करेंगे, पर मुख्यतः जो एक सेंसिटाइजेशन का काम है, चाहे वो पुलिस लेवल पे हो, चाहे वो एकेडमिक्स के अंदर हो या चाहे वो समाज के अंदर हो, वो भी एक बड़े स्तर पर चल रहा है। और तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, पहला प्रिवेंशन, दूसरा डिटेक्शन और तीसरा डिटरेंस और चौथा उसके बाद जो है वो कन्विक्शन का है। तो उसको उसके ऊपर भी कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि अब जितने भी केसेस हैं जो आ रहे हैं सामने उसके अंदर मॉलेस्टेशन के केसेस के अंदर विद इन 15 दिन जो है वो टाइम फ्रेम सेट किया गया है टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस, और रेप के केसेस के अंदर विद इन 1 मंथ जो है समय सीमा निर्धारित की गई है टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन सबमिट रिपोर्ट करने के लिए। तो जितने भी रेप के केसेस हैं या ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर ट्राई करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे देखिए तमाम प्रयास बता दिए लेकिन स्थिति में सुधार नजर नहीं आया, एक हफ्ते में 6 मामले। ज्योति, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए अगर हम जो रेप के इंसिडेंट्स हैं अगर उसके अंदर हम इन पिछले एक हफ्ते की या पिछले 4 दिन की बात करें तो मैं क्या समझता हूँ कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है जिसके अंदर इतने हीनियस क्राइम्स इतने छोटे स्पैन के अंदर हो गए हैं, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। एंड जैसे कि कहते हैं कि देखिए सरकार का सरासर फेलियर है, क्योंकि आप ये देखें कि हर रोज हर 3 मर्डर और 3 रेप की घटनाएं जो है वो हर रोज हो रही है और ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि सरकार की जो अनुभवहीनता है वो सीधी सीधी नजर आती है, क्योंकि इस सरकार ने 3.5 साल के अंदर कोई काम इस मामले में क्राइम को सुधारने में नहीं किया। सिर्फ आज मुख्यमंत्री का 3.5 साल के बाद एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम गश्त बढ़ाने के लिए अपने निर्देश दे रहे हैं और 100 नंबर डायल की सुविधा को हम जो है इसको दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कहाँ है? जब इतने DGP बदल दिए आपने इतने टाइम के अंदर, जब इतने SP बदल देते हैं आप, 3 महीने 4 महीने एक आदमी का बस्ता उठा देते हैं वहां से, तो कौन कंट्रोल करेगा इस सारी घटनाओं को? जहां तक हरियाणा सरकार का फेलियर है, तो आज हम महामहिम जी के पास हुड्डा जी गए थे और उन्होंने अपनी बात भी रखी वहां पे कि ये सरकार का सरासर 3.5 साल का फेलियर है, तो हम ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए और सरकार को यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार फेलियर सरकार है क्राइम के मामले में।
जी प्रवीण अत्रे साहब, इनेलो क्या कहेगी इन मामलों को लेकर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं ढींगरा साहब को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। आज का जो रिकॉर्ड है हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़े देखते हैं तो पर डे 3 नहीं पर डे 4 रेप की घटनाएं हो रही है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखते हैं तो 3 घटनाएं पर डे 2004 से लेकर 2014 तक के अगर आंकड़े देखेंगे तो 3 घटनाएं पर डे थी, अब बढ़ के वो 4 हो चुकी है, पहला करेक्शन। दूसरी बात देखिए, अभी मान साहब ने भी माना कि स्थिति विकट है, बिल्कुल मान साहब इस बात को मानते हैं स्थिति विकट है, लेकिन जब उस पर चर्चा करते हैं तो बजाय इस बात के कि इस तरह के जो घटनाएं हैं वो ना घटें, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। हाँ। चर्चा ये होती है कि हमने SIT गठित कर दी है, हम इसके ऊपर ये करने की बात कर रहे हैं, जो अफरीदाबाद के अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए गए हैं। मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा मान साहब आपको भी और इस चैनल के जरिए सरकार को भी, इस तरह की घटनाएं ना घटे सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम कानून व्यवस्था पे बात करते हैं ज्योति, जब भी हमने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है, चाहे हम सदन के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर जब काम रोको प्रस्ताव लेके आते हैं तो सरकार क्या होता क्या है कि उसको कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती नहीं है कानून व्यवस्था पे चर्चा करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था है ही नहीं। अभी पुलिस अधिकारी जिनका बाइट दिखा रहे थे, बड़ी हैरानी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि रेप समाज का हिस्सा है, हैरानी होती है। यहां से पता लगता है कि इस पुलिस और सरकार का असली चेहरा क्या है। हाँ। कानून व्यवस्था उनके लिए कितना अहमियत रखती है इस बात से समझ में आता है जब एक पुलिस अधिकारी इस तरह का बयान देता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब कानून इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इस तरह के आप हैरान होंगे ज्योति, अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, महिलाओं के प्रति अपराध जो है उसकी टोटल 28,000 घटनाएं हैं, उसमें रेप भी है, उसके अंदर मारपीट की घटनाएं भी हैं। मैं सभी घटनाएं जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसकी बात कर रहा हूं। अगर इस तरह के हालात प्रदेश में हो जाएं, बेटियां सुरक्षित ना हों और सरकार केवल अपनी पीठ इस बात पे थपथपाए, जैसे आपने पीछे देखा था जब सरकार की तरफ से इस बात की बड़ी शाबाशी ली गई थी कि हमने सेक्स रेशियो इंप्रूव कर दिया है प्रदेश में। हैरानी होती है कि आप सेक्स रेशियो इंप्रूव कर दिया है, और वो भी आपको याद होगा मीडिया के अंदर बड़ी चर्चा हुई थी किस तरह से झूठे आंकड़े पेश करके इस बात का दावा किया गया था, पिछले साल हुआ था, और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात के लिए सरकार थपथपाती है अपनी पीठ। लेकिन सच्चाई ये है जो आपने देखा है पिछले 4 दिन की घटनाओं के अंदर आपने देखा। और ये देखिए, एक और मैं बात बताता हूं, ये अभी की बात नहीं है, जनवरी 2016 में पंचकुला अकेले में 4 घटनाएं हुई थी, मान साहब को याद होगा, मान साहब बेहतर जानते हैं। तो ये कोई एक बार की बात नहीं है, लगातार क्राइम कानून व्यवस्था के हालात खराब होते जा रहे हैं, अराजकता का माहौल बना हुआ है। चलिए अपडेट देते हैं। हालांकि रमणीक मान साहब ने भी कहा कि फरीदाबाद के दोनों आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो बड़ी खबर आपको दे रखी है। फरीदाबाद के स्कॉर्पियो में जो लड़की को अगवा किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद आरोपी फरार रहे, उसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं, हमने खुद बार बार ये सवाल किया, बार बार अपडेट्स भी इस मामले में आपको दिए। उसी कड़ी में 13 जनवरी के इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के राजीव चौक का ये पूरा मामला रहा। 22 वर्षीय लड़की को स्कॉर्पियो में अगवा किया गया, गैंगरेप उसके साथ किया गया, बाद में लड़की को छोड़कर दोनों आरोपी जो है फरार हो गए। उसी कड़ी में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। चलिए इसी अपडेट के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मान साहब क्या गिरफ्तार कर लिया जाना, जांच शुरू करवा देना, और ये सब चीजें कि दावे किया जाना कि जांच की जा रही है, दोषियों को सजा दी जाएगी, उसके बावजूद जो आंकड़े हैं उनमें कमी नहीं आती, फिर कमी कहां? देखिए ज्योति, आंकड़ों का एक बड़ा लंबा चौड़ा जाल बिछाया अत्रे साहब ने। बहरहाल जहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें, जिसके अंदर 498A के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, उसके अंदर जब से 376-77 ऐड होना चालू हुआ है तो आंकड़ों के अंदर इजाफा आना शुरू हुआ है। अगर आप इनको नजदीक से एनालाइज करेंगे ये ऐसे केसेस, नहीं मेरा सवाल ये था कि गिरफ्तार भी पुलिस कर लेगी, गिरफ्तार भी कर लेगी, आप लोग जांच भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? पुलिस जांच के दावे करती है, सरकार भी दावे करती है, लेकिन स्थिति वही ढाक के तिल पर। देखिए ज्योति, ऐसा है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना मेरा मेरा इट्स माय राइट, ठीक है। देखिए अब क्या है कि जैसे ढींगरा साहब कह रहे थे, तो मेरे ख्याल है ढींगरा साहब कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि क्या अपना घर कांड जो इनके अपने ही CM के ज़िले में हुआ, या उसके बाद कितने ही इनफेमस कांड हुए जहाँ पे हिसार के अंदर वो जहर खा के मर जाती हैं बेटियां, या इनके समय में बेटियों को नहर में छलांग लगानी पड़ती है। देखिए, पीड़िताओं के परिजनों के लिए सरकार की ओर से ये जवाब समझा जाए कि कांग्रेस के वक्त जो
घटनाएं जो वारदात हुई आप उनको याद कीजिए। नहीं नहीं, मैं देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा आग्रह केवल इतना है कि जिस वक्त ये कहते हैं कि साहब सरकार हटा के यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो ये लॉजिक इनके ऊपर भी उतना ही बराबर इम्प्लीमेंट होता था। तो बहरहाल जो ये कह रहे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ ज्योति, कि जो इनके एक्शन हैं इनके अंदर कहीं अगर इनके ज्ञापन में कोई सुझाव होते, ऐसा कुछ जो ये 10 साल में नहीं कर पाए और चाहते हैं कि इस टर्म में हो जाए, अगर कोई उसके अंदर सकारात्मक सुझाव होते कि कैसे हम प्रिवेंशन करें, कैसे डिटरेंस करें, तो अच्छा लगता। इन्होंने कोरी राजनीति के मकसद से ये सारे काम किए हैं। बहरहाल कोई ये ऐसा नहीं है कि सरकार इस चीज़ को लेकर सजग नहीं है या सेंसिटिव नहीं है, एक्शन लिए जा रहे हैं। और आज हम डिबेट शुरू करने से पहले ये चर्चा कर रहे थे कि साहब इसमें अरेस्ट भी नहीं हुए, अरेस्ट भी हुए। सीएम ने भी कहा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस में सुधार और बदलाव भी किए गए, आईजी रैंक का अधिकारी ये कहे। शालिनी जी आप रुकिए, मान साहब आपके पास आएंगे। शालिनी जी, आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी ये कहे कि रेप जो है समाज का हिस्सा है, जो अनंत काल से रेप है होते आ रहे हैं। क्या पुलिस के लिए रेप स्वीकार्य है? क्या सरकार के लिए गैंगरेप और रेप स्वीकार्य हो जाएंगे कि कदम हम उठा रहे हैं, सुधार दिखेगा? ज्योति जी, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है और बहुत ही अजीब लगता है इस तरह की जब बात कोई जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है। एक घटना घटित होती है और ये घटना कोई आज की घटना नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीक जो है बहुत भारी गुजरा महिलाओं के ऊपर या लड़कियों के ऊपर। तो इस तरह की घटनाएं जब भी घटित होती हैं, मुझे लगता है हम अगर इसको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग रख करके सामाजिक स्तर पर सोचें तो चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, इनेलो का कार्यकाल हो या भारतीय जनता पार्टी का काल हो, हमेशा प्रताड़ित लड़की को ही होना पड़ा है, विमेन को ही होना पड़ा है। आप भले ही अपने क्षेत्र के अंदर आंकड़े बढ़ा लें, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला लें, जब तक आप बेटियों को सुरक्षा नहीं देते, जब तक आप इस तरह के जुमले छोड़ेंगे, जब तक आप ये कहेंगे कि ये तो सदियों से होता चला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये कहना चाहते हैं कि आगे भी ये होता रहेगा? क्या पुलिस का और सरकार का दायित्व नहीं बनता? पूरा समाज जो है सरकार की तरफ देखता है, पूरा समाज ये देखता है कि हमको सुरक्षा मिले। बेटियां ये उम्मीद करती हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद कुरुक्षेत्र से हूं और झांसा की बेटी के साथ जो जींद में ले जाकर के घटना होती है, इतना ब्रूटल मर्डर किया जाता है, आप उसके माता पिता की दशा देखिए, आप उनकी बेटियों की दशा देखिए जिन्हें इन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। और आप यहाँ पे इस तरह की बात करते हैं कि हरियाणा कार्यकाल में ये होता था या राष्ट्रपति शासन लगा दे, आर्टिकल 356 लगा दे, ये कोई बातें नहीं है। आप ये देखिए कि इस समय समस्या का देखिए, पहली चीज तो ये है शालिनी जी, मैं आपको एक चीज दुरुस्त कर देता हूँ। आपने कहा पॉलिटिकल नजरिया ना देख के सामाजिक नजरिया, एक बात तो समझ लीजिए कि पॉलिटिशियंस भी समाज का हिस्सा है, हमारे भी परिवार है, हमारी भी बेटियां हैं और हमें इस बात का दुख और तकलीफ है जब प्रदेश में इस तरह की कानून व्यवस्था के हालात बन जाएं। और विपक्षी दल होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है कि सरकार के फेलियर को लोगों के सामने लेके आए। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2009 का है, आज का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर हरियाणा में दृष्टिकोण गलत है ज्योति जी, अगर आप इतिहास को उठा के देख ले, हमारे प्रदेश में इस तरह के जघन्य अपराध की कतई कोई जगह नहीं थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए हरियाणा का, आज ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के अपराध के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है? उसका कारण है आपराधिक तत्वों को सरकारी सैंक्शन, जिस वजह से उनके हौसले इतने बुलंद है, ये इस वजह से हमें आवाज उठानी पड़ रही है। इससे मैं भी कहीं पे सहमत हूँ, पहले हमेशा रेप की घटनाएं होती थी पर इतना ब्रूटल नहीं होता था, जिस तरह से मामले बढ़े हैं, चिंताएं भी बढ़ी हैं। मुंजाल साहब, रेप और गैंगरेप के जो मामले हैं उसमें कानून क्या कहता है? मैं ये कहना चाहूंगा, आइए कपूर साहब, थ्री रेप्स एवरी डे इन हरियाणा, रेप्स इन हरियाणा इन 2016 1187। सो मैं रमणीक जी का जवाब देना चाहूंगा, सेक्शन 376 के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट करके उसको पनिशमेंट जो है मर्डर तक लेके आए, ताकि एक एनफोर्समेंट हो सके। बेसिक प्रॉब्लम एनफोर्समेंट की है, लॉ बिल्कुल परफेक्ट है इस चीज के अंदर। पनिशमेंट से रिलेटेड अगर स्टेट की अमेंडमेंट है, स्टेट की चाहत है, स्टेट की विश है, तो स्टेट उस बेसिस पे वर्क करती है, तो ये सारे के सारे रिडक्शन पे चले जाएंगे, बिकॉज
लॉ जो है, मानसु जी आपकी बात का उत्तर देता हूं, लॉ जो है वो परफेक्ट है। अगर आप स्टेट अमेंड करना चाहते हैं लाना चाह रहे हैं तो लेके आइए, ला रहे हैं बिल्कुल। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सोने से पहले आप दिखाएं कहां पे पनिशमेंट प्रपोज है। हमने आज तक एक भी अखबार में नहीं पढ़ा आपके बारे में कि पनिशमेंट प्रपोज है। आपको 3 साल हो चुके हैं, यहाँ पे सरकारी, मैं किसी भी सरकार के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मगर मैं ये जरूर कहने के लिए बैठा हूँ। पॉलिटिक्स बिल्कुल दूर रखिए, अपनी पार्टियों में जो भी है, दो चीजें हो गई है। एक तो वैल्यू सिस्टम में बहुत बुरा दिया। सबसे पहले आपको याद होगा, आप सारे पुराने बैठे हैं यहाँ पे, ये थी भी तियां पहना सांझिया होंगी, किसी की बेटी हो किसी की बहन हो तियां पहना सांझिया होंगी। ये लड़की होती है ना, ये औरत होती है, अपना घर का मान होता है, इट इज द ऑनर ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें वैल्यू सिस्टम में चेंज आया। दूसरा, जो पुलिस, मैं सारे जिलों में एसपी रह चुका हूँ, फरीदाबाद वगैरह, तो मैं उसके बारे में, उसमें है कि जो पुलिस की अथॉरिटी है ना आगे से बहुत कम हो गई है और पुलिस का डर बहुत कम हो गया है। यहाँ पुलिस की नौकरी बिना डर के, हमने तो इमरजेंसी में किया हुआ नौकरी करी हुई, हमने पता बिल्कुल रुकाए चलाते थे। क्या मंत्री और क्या ये बोल सकते हैं जिस तरह ये बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण क्या किसी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि डर कानून का होना चाहिए, ज्योति जी, पुलिस का डर नहीं चाहिए, डर होना चाहिए कानून का, कानून का डर होना चाहिए। कानून को लागू करवाने के लिए जरिया कौन है कि कानून क्या बना है? ठीक है, जो पहले से कानून है, पुलिस को जितना काम करना चाहिए क्या पुलिस उतना कर पा रही है? नहीं, मेरी बात तो सुने ना मैडम आप, उस वक्त अब जब ऐसा है ना, उस वक्त कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब पुलिस में, मैं पुलिस की अथॉरिटी क्यों कहता हूँ कम हो गई है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस हो गई है, ये पॉलिटिक्स हो रही है इसमें, ये आगे बढ़ना, ये भी तब भी थे, अभी हमने किया उस जमाने में नौकरी की हुई है। लॉ इज सुप्रीम, मैन से मैं मा तो ये नहीं कहता कि पुलिस इज नॉट सुप्रीम, बट लॉ इज सुप्रीम एंड हु इंप्लीमेंट्स लॉ, पुलिस इंप्लीमेंट्स लॉ। तो उसमें क्या है, उसमें तो ये ऐसा दो चीजें होने, एक तो वैल्यू सिस्टम बदल गया, हमने भी देखा यार लड़के को, तो खासकर मैडम आप बैठिए पहले, ये तो आम कर्टसी थी हमारे, हमारी सोसाइटी में और खासकर इस रीजन में, दिल्ली अमृतसर बेल्ट में तो लड़के को दैट इज ऑनर ऑफ द फैमिली, तो वो करता था। और दूसरा पुलिस, जो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, मैं 4 जिलों में एसपी रहा हूँ, डीएजी भी रहा हूँ, मैंने सब डील किए हुए, ये तो छोटे आदमी में, बड़े बड़े नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगते रहे सर, आरोप गंभीरता से इस तरह के मामलों को। चलिए, आपने ज्यादा बड़े आदमी बुला लिए, एक बात समझ में नहीं आती कपूर साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस का डर होना चाहिए, जबकि डर कानून का होना चाहिए, पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। आप मुझे नहीं, कपूर साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सोसाइटीज की वैल्यूज जो हैं, क्योंकि सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य बोध होना भी बहुत जरूरी है। क्या पुलिस प्रशासन को अपना कर्तव्य बोध है? जो झांसा वाली लड़की की बात कर रहे हैं कपूर साहब, 4 दिन पहले लड़की गुम होती है, सुनिए, एक केस की बात मत कीजिए, 4 दिन पहले बच्ची गुम होती है, मां बाप पुलिस में कंप्लेन करते हैं, 4 दिन तक पुलिस सोती रहती है, 5वें दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये तो हालात है पुलिस के और सरकार के, 4 दिन में जो पहले से कानून है, कम से कम पुलिस उनको कैसे लागू करवा पा रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट सलाह जी, चलिए आपकी बात सुनेंगे। आईजी अंबाला रेंज ने क्या कहा है इस मसले को लेकर, सुनिए बात, ये सुनिए चर्चा में लौटेंगे। मैं एंडोर्स कर रहा हूं, हरियाणा इज अ गैंगरेप कैपिटल और उसके अंदर मेंशन है कि कितने परसेंट डाटा के हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ है, तो इट सेज लेटेस्ट एनसीआरबी डाटा शोस। मैं बताइएगा, तमाम डाटा रखिएगा, पेश कीजिएगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं कि अंबाला रेंज के आईजी क्या कहते हैं रेप जैसे मामलों को लेकर। उन्होंने क्या कहा है कि रेप जो है काफी पुराने चले आ रहे हैं, अनंत काल से होते आ रहे हैं, सोसाइटी का हिस्सा है, वो सुन लीजिए। बहुत जिस तरह से ये घटनाएं सामने आई हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस को लेकर हरियाणा में, सर उसको कैसे आप अनसर करेंगे? देखिए, ये जो है समाज का पार्ट है, इस तरह की घटनाएं आज नहीं अनंत काल से चल रही हैं। पुलिस का काम है तफ्तीश करना, पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना, पुलिस का काम है विद एविडेंस उसको प्रूफ करना, उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, लगातार लगे हुए, आज मैं भी इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मान साहब, आपने कहा कि हम सोच रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाएगी, सरकार ने कब सोचा, सरकार ने कब तय किया, इस दिशा में कदम क्या उठाया? देखिए, जहां तक प्रश्न है नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का, उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रपोजल ये आज ही डिस्कस हुआ था, सीएम साहब ने इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। इसका जो सिस्टम है, जो इसका लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके इसको इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है हरियाणा के अंदर, और मैं ऑन द रिकॉर्ड पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक देखिए, इसमें मैं जैसे पहले आपसे कहा कि 3 पहलू हैं, एक प्रिवेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन, दूसरा डिटरेंस है और डिटेक्शन और डिटरेंस है, उसके बाद कन्विक्शन का, उसको लेके क्या कर रहे हैं हम, वो आपको बता देता हूं मैं।
प्रिवेंशन के लिए गांव में हरियाणा के सभी गांव के अंदर शक्ति परी के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके अंदर 5 महिलाएं गांव के अंदर ही स्त्रियों के साथ संपर्क में रहेंगी और पुलिस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा। वो है निचले स्तर के ऊपर जो परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पे उतने शक्तिशाली नहीं है या उतने संपन्न नहीं है जो जाके आगे अपनी बात रख सकते हैं, उनके साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जानकारी। दूसरा, मैपिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव परपेट्रेटर्स ऑफ सच क्राइम्स, उनकी मैपिंग और उनके उनको रिलेटेड देखिए क्या है कि ये रेप के से पहले इट कैन प्रोसीड बाई मोलेस्टेशन या छेड़खानी हो सकती है पहले, अगर उस तरीके का होता है तो निप द इविल इन द बड वहीं पे उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा एक निचले स्तर से कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, जो 1091 देखिए वो क्या करेगी, मैंने आपको देखिए जघन्य अपराध है, इट शुड बी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। ये आपने मेरे से पूछना, मैं आपको अपना रवैया दे रहा हूँ। देखिए, आपने मुझे पूछा सरकार क्या कर रही है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। दूसरा, जहां तक 1091 के केसेस हैं, 1091 अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है, उसके कॉल सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसकी सेंट्रल लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी स्टेट लेवल पे। समय समय कम है जी, ढिंगरा साहब एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। 1090 से पुलिस से आप संपर्क कर पाएंगे, लेकिन 3.5 साल की लड़कियां, 3 साल की लड़कियां, 2 साल की लड़कियां क्या पुलिस से संपर्क कर पाएंगी? छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बिल्कुल कोई संपर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। और मैं एक और बात इसके साथ जुड़ी हुई ये कहना चाहता हूं, हर एक आदमी जिसके साथ रेप हो रहा है उसके सारे परिजन जितना मामले अभी बढ़ रहे हैं वो सारे सीबीआई की मांग की क्यों कर रहे हैं, वो कोई पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर विश्वास ऐसा है ढिंगरा साहब, इसी वजह से हर आदमी सीबीआई अभी जानसा रोड पे वो भी जो अभी जो हुआ उस मामले में भी वो परिजन जो है उनको यही नहीं मालूम कि उनके साथ कितनी बड़ी घटना हो चुकी है और वो पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहे और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी तरह गुड़गांव मामला ले ले, हिसार मामला ले ले, गोहाना मामला ले ले, इस तरह जितने मामले, फरीदाबाद ले ले, सभी पानीपत ले ले, सभी मामले में सीबीआई की जांच की मांग क्यों हुई? क्योंकि इसलिए कि मान साहब को समझ नहीं आ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं ढिंगरा साहब, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे कि हरियाणा में डर लगता है, जो बात बेटियों के जहन में है कहीं ना कहीं उस दाग को हरियाणा सरकार कब धो पाएगी, पुलिस कब काम करेगी, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें भी हैं, वादे और दावे भी हैं, डायल 100 की बातें कर ली जाती हैं, महिला थानों का जिक्र कर लिया जाता है, लेकिन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं ये आंकड़े बोलते हैं। खासतौर पर पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, 6 मामले सामने आ चुके हैं, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है और किया क्या जा सकता है सुधार के लिए, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रमणीक मान साहब, क्या लगता है, महिला थाने आप लोगों ने खोले, अभियान भी चला दिए, मुहिम भी चलाई, लेकिन सुधार दिखे नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं हुई? ज्योति देखिए, कोई भी आप अच्छा कदम लेते हैं, सकारात्मक कदम लेते हैं, उसको रिजल्ट्स दिखाने में समय लगता है। और मैंने जैसे पहले कहा है, बड़ी मंदभागी घटना है जी। ये इतने 5 इंसिडेंट्स बड़े छोटे स्पैन में, शॉर्ट स्पैन में हो गए, जिसमें 2 तो बहुत ही ज्यादा जगह अमानव थे, मांगवे थे। बहरहाल, जो मैं आपसे ब्रेक से पहले कह रहा था वो ये था कि आपने एक आपने उदाहरण दिया महिला थानों का, महिला पुलिस फोर्स की भी बहुत कमी थी, जिसके अंदर करीबन 850-856 फीमेल कांस्टेबल्स भर्ती किए गए, और इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एक सेंसिटिविटी, एक सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है, और जो ऑलरेडी पुलिस फॉर एग्जिस्टिंग फोर्स है, क्या पुलिस की भर्तियां किया जाना ही काफी है या बड़े सुधार की जरूरत है? बात देखिए, ऐसा है कि या तो आप पूरी बात को कंप्लीट सुनिए, उसके बाद उसके लिए काफी है या ना काफी है, और अगर ना काफी है तो आप सुझाव दीजिए क्या है। देखिए, ऐसा है, जहां तक महिला थानों का जिक्र है, महिला थानों के ऊपर भी सरकार ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, लेकिन सच्चाई ये है कि टोटल स्वीकृत पद जो है वो थे 16,540, और केवल वहां पे अपॉइंटमेंट जो हुई है, जो वहां कार्य कर रहे हैं पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, महिला ऑफिशियल्स हैं, वो मात्र 7,400, मतलब 50% से भी कम कर्मी वहां पे काम कर रहे हैं। महिला थानों की सच्चाई ये है, 5,500 लेकिन लगभग मान साहब, अभी आप अभी से अभी 3 साल में आप खोल रहे हैं, केवल आपने किया नहीं है, सवाल ये है। देखिए, यक्ष प्रश्न यही आके आ जाता है कि आप केवल खोल रहे हैं, अभी आपने उस पर देखिए, जब कोई कार्य प्रगति, जब आप उस कार्य को अंजाम दे लोगे तब आप जिक्र करना कि हमने इस कार्य को अंजाम दे दिया। जो तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल जो है, जो बार बार सवाल आ रहा है, अब जैसे हुडा साहब गए, हुडा साहब ने जाके गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया, अब देखने वाली बात यह है कि जब हुडा साहब मुख्यमंत्री थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो ये कहता है कि उनके टेन्योर में 174% इंक्रीज हुआ महिलाओं के प्रति अपराध में,
555% इंक्रीज हुआ ओवरऑल क्राइम में। तो उस वक्त की जो स्थिति थी, कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत नाजुक थी, इस सरकार के आने के बाद उसमें और बढ़ोतरी हो गई। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ना तो हुड्डा साहब की प्राथमिकता में था और ना ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में, तभी प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। अशोक तंवर जो है वो अलग से साइकिल यात्रा निकालती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो मंडल है वो अलग से मुलाकात करता है। साफ तौर पर कहा जाता है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्या उससे भला हो जाएगा, क्या ये राजनीति है या वाकई जो चिंता है कांग्रेस की महिलाओं को लेकर वो झलकी है? नहीं देखिए, पहले तो प्रवीण अत्रे जी ने जो कही बात, मैं इनका जवाब दे दूं। आपको याद होगा जो इनका 6 साल का राज्य था उसके अंदर किस तरीके से ये लोग काम करते थे, लागू किया जाना समाधान है क्या? आप लोगों ने सुझाव दिया है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन हमने हमने महामहिम जी को यह सुझाव दिया है कि 3.5 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार काम कर रही थी, इनकी अनुभवहीनता जो है, इनका जो नाकामयाबी है, इनके इनके टाइम के जो बढ़ते हुए अपराध है, इस समय इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, हाल ही में झांसा की घटना हुई, हाल ही में जितनी घटनाएं हुई सभी लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं, पुलिस तंत्र से विश्वास उठा हुआ है। अब सुन लीजिए मान साहब, आप सुन लीजिए पहले, आप पहले मेरी बात सुनिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आप पहले सुनने का वादा रखे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास सुधार के लिए कोई विचार है तो रखिए, आप कोई राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। आप बोलिएगा कांग्रेस हिमाचल में जब सरकार में रही, कोटखाई से गुड़िया गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आता है, उसमें सरकार की अलग भाषा रखती है, और जब हरियाणा में मामला सामने आता है विपक्ष के तौर पर आप अलग तरह की राजनीति करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा क्या राजनीति का मुद्दा है? देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात कहूं, रेप और घटनाएं जहां भी होती है वो निंदनीय है, कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नर हाउस में हम गए, उनको ये बात रखी कि 3.5 साल में पुलिस की विफलता की बात है, और जहां पे हम इनकी विफलता का हमने ये मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे, हमने अपना शासन की मांग नहीं की, ना चुनाव की मांग की है, हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है कि उससे जो है अपराध के ऊपर घटनाओं पे रोक लग सके और जो बिगड़ती हुई व्यवस्था उसको सुधार की जरूरत है। कर सकते हैं आपको पता है कि हम करके बोलेंगे हम कपूर साहब से डॉक्टर मरीज ठीक करने के लिए डॉक्टर काबिल होना चाहिए। चलिए यार तुम मेरे बात करते ना, एक मिनट सेकंड कर रहा है, थर्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सर सेकंड ही कर रहा हूँ, पुलिस 195 गैंग रेप्स है हरियाणा में 2016 जानता हूँ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। और उसको जो जितना डॉक्टर जितने काबिल डॉक्टर होंगे उतने मरीज जल्दी ठीक होंगे, और उसमें इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत बड़ा, कोई घटना करने पहले ही पता होना कि किस तरह से किस किस्म के लोग हैं, कहां इन पर नजर रखनी चाहिए, ये चीजें करेंगे राग पुलिस को। मैं आपको रोकना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन सवाल ये भी है जितना पुलिस को पता चल जाता है उसमें पुलिस क्या करती है? मैं कहूं तो अच्छा एक बार दूसरी बार जवाब दे रहा हूं, अच्छा जिसके और उसके बारे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो पुलिस अफसर उनको निकालना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उनको निकालना चाहिए वहां से, इसमें बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए, और पुलिस को पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर रखना चाहिए कि ये मेरा आदमी, ये फलानी पार्टी, कोई आदमी जो अच्छा अफसर है वो अच्छा अफसर है, जो अफसर जो नहीं है नहीं। अगर आप पुलिस को प्रोफेशनलाइज करेंगे, इंटेलिजेंस सिस्टम ठीक रखेंगे, तो इसमें बढ़ोतरी उसमें जो कम आ जाएगा, तो बाकी पॉलिटिक्स कोई भी होगा। मैं कपूर साहब से क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा, वो ये है कि कपूर साहब चाहें तो एक 2-4 पॉइंट्स बता सकते हैं हमें कि किन पॉइंट्स के ऊपर पुलिस कर सकती है, बिकॉज कपूर साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और इनके अंतराल में भी रेप केसेस हुए हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पुलिस ऑफिसर के अंदर? देखो मुझे एक आइडिया दे दें, एक डाटा दे दें अपने अंतराल के अंदर का, जिसके अंदर स्पेसिफाई कर सके इन्होंने किसी को सस्पेंड किया। बातें कह देनी बहुत अच्छी है, करनी बहुत मुश्किल है। एक मिनट कपूर साहब मुझे बोलने दीजिए, मैं बात करता हूँ फिर से गैंगरेप की, इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है किसी भी का, किसी भी पार्टी का, ना मैं रमणीक को समर्थन दे रहा हूँ ना मैं ढींगड़ा साहब को समर्थन दे रहा हूँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि 191 गैंग रेप्स इन हरियाणा इन 2016
इससे पहले सरकार ने क्या किया, इसके बाद सरकार ने किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न रमणीक जी से, मैं आभारी हूं रमणीक जी का, जब रमणीक जी ने बोला कि हम स्टेट अमेंडमेंट ला रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड ला रहे हैं, बट मैं एक प्रश्न पुट करना चाहूंगा कि जब ये कहते हैं 15 साल से बच्चों, 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के बारे में वो कैपिटल पनिशमेंट लेना चाह रहे हैं, तो ये अत्याचार क्यों? 15 साल क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट? मैंने 15 साल नहीं बोला, आपने कितना बोला? नाबालिग बोला, 18 साल नीचे बोला। चलो 18 साल, तो फिर 18 साल से ऊपर औरतों के ऊपर क्यों नहीं, क्या कारण है? क्या वो बेटियां नहीं है, क्या आपकी बहुएं नहीं है? मेरा ये प्रश्न स्पष्ट तौर पे और आपकी आवाज खट्टर साहब की आवाज मानते हैं, रमणीक जी हम आपसे पूछते हैं ये कब तक हो सकता है? जवाब दे दो कि जब मैं बोलूंगा मैंने क्या, अगर मेरी बात सुन लो, क्या करते हैं? मैंने देखा जहां यह लड़की छेड़ी गई थी, रेप नहीं हुआ था, वो थानेदार को सस्पेंड किया और जो लड़के वाले उनका सारा मुंह काला करके सारे गांव में निकाला गया ताकि सबको पता लगे कि यहां के जरा भी आपने बड़ा अच्छा किया। खुला बहरहाल 2018 मेरा प्रश्न कपूर साहब से था कि इनके अंतराल में इन्होंने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? लिया, कोई डाटा आया या नहीं आया? और अगर आया तो उसके अंदर एक्विटल हुआ, कन्विक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि हरियाणा पुलिस में बड़े स्तर पर बड़े सुधार की जरूरत है। सरकार को रास नहीं आई थी उस वक्त, ये बात मानेगी सरकार? चलो बहरहाल मैं उत्तर देता हूँ कपूर साहब, 2018 में आप मुंह काला करके घुमा के देखिएगा, बात करेंगे बाद में। बहरहाल एक मिनट, मेरे को अपनी बात पूरी करेंगे। हिमांशु का पॉइंटेड क्वेश्चन, पॉइंटेड रिप्लाई, क्या किया 16 के बाद? सुनिए, अब जो मॉनिटरिंग हो रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन की, पहले पुलिस का क्या काम होता था कि हम चालान सबमिट करते थे, उसके बाद काम खत्म, अब ट्रायल में जाएगा और आगे देखा जाएगा। अब क्या है कि एसपी लेवल के अधिकारी ऐसे सभी केसेस को टिल द कन्विक्शन और डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस की मॉनिटरिंग रेगुलर करेंगे, एक है। दूसरा है जो मिसिंग चिल्ड्रन है, जो गुमशुदा बच्चे, आपका क्या मतलब है मॉनिटरिंग से? प्लीज स्पष्ट कीजिए। देखिए ऐसा है, पहले आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट सुनिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, हिमांशु लिसन, हिमांशु हाथ में कुछ भी नहीं है, हिमांशु आप देखिए, आपको पता है हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर जितने केसेस स्ट्रेट केसेस होते हैं उनके ऊपर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग रेगुलर पुलिस करती है। क्या होता है उसके अंदर, विटनेसेस कौन, एविडेंसेस कौन है, देखिए उसके अंदर ना टेक्निकल के अंदर ना घुसें। तीसरा है जहां पे नेग्लिजेंस होगी, चालान फाइल करने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रश्न ये है आपसे, ज्योति सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीएम कहते हैं कि स्वर्ण जयंती की बात कीजिए, ये बड़ा विषय नहीं है कि डीगर बीडी में डबल मर्डर हो गया, डबल गैंगरेप हो गया, ये बात यही बात मैंने शुरुआत में कही थी ज्योति, कि कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है, तभी इस तरह के बयान सीएम साहब की तरफ से आते हैं। दो मिनट रुकिए, ऐसा क्या कारण है हिमांशु जी रुकिए, ऐसा क्या कारण है कि जब अपराध की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं घटती है वो हमारे पड़ोसी दोनों राज्यों को अगर मिला ले उससे भी ज्यादा है। एक और कारण जो अभी हिमांशु जिक्र कर रहे थे, आपको हैरानी होगी जान के कि जो सक्सेस रेट है, मतलब मुजरिम को सजा दिलवाने का, हरियाणा का मात्र 13% है रेप के मामलों में, जबकि पंजाब में 24% है। ऐसी क्या वजह है कि वहां पे रेट ज्यादा है, 8% पे रेट कम है? सुनिए मान साहब, आप ऐसा क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्राप्त है, अकाउं का सरकार का पेंशन मिला हुआ है तत्वों को, नेशनल रेट रेट जो है, नेशनल रेप रेट, हरियाणा रेप रेट 9.4% है। आप सब सरकारी आपने शायद बात सुनी नहीं, आप जंप कर गए कि बात कन्विक्शन रेट की हो रही थी। बहरहाल कोई बात नहीं, नहीं हिमांशु यू गॉट इट प्लॉट रॉन्ग यार, आप समझ में, आपको प्रश्न समझ में नहीं आया। आप मेरे ख्याल से, मैं कन्विक्शन रेट की बात कर रहा हूं भैया, कन्विक्शन रेट सुनिए, कन्विक्शन रेट की बात। चलिए मुंडाल साहब आप भी सुनिए, मान साहब आप भी सुनिए, कपूर साहब जब गुरुग्राम के प्रद्युम्न के मामले की हम बात कर ले, सुनिए एक बार के लिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। अब जो लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या पुलिस से विश्वास घटा? अगर घटा तो क्या पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है कि पुलिस की कार्यशैली ही ऐसी है? जो सीबीआई से मांग की जा रही है, अल्टीमेट एनालिसिस में क्रेडिबिलिटी की बात होती है, और क्रेडिबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? डिपेंडेबिलिटी एंड एबिलिटी। अगर पुलिस में एबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ केपीएस गिल ने पंजाब ठीक कर दिया, क्योंकि डिपेंडेबिलिटी भी थी, एबिलिटी भी थी, ठीक हो गया।
तो अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी कम हो गई है, इसलिए मैंने कहा इसको प्रोफेशनल बनाओ, पॉलिटिक्स से दूर रखो। गुड़गावा का प्रद्युमन वाले केस में आपने भी देखा था, चर्चा भी की थी, किस तरह से पुलिस ने एक बेकसूर को मुजरिम बना के अंदर डाल दिया था। जब जहाँ पे पुलिस इस तरह से काम करेगी कार्यप्रणाली ऐसी होगी। आपने कमिश्नर साहब उन्होंने कहा सस्पेक्ट को अरेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, कबूल कर लिया, सस्पेक्ट को हथियार मिल चुका है, सस्पेक्ट आपने उस आदमी को बेकसूर को सजा उसको जेल में डाल दिया। फिर आप कहते हैं हथियार मिल चुका है, डालना और फाइनल करना क्या कैसा होता है। चर्चा पे रहिए, हालांकि पुलिस को लेकर सवाल जरूर किया है साहब। व्हेन यू ब्रिंग अप समथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको यह समझना चाहिए कि मान साहब आप किस तरह से घुमा रहे, पूरा प्रदेश जानते हैं वहां पे क्या हुआ, घुमाया था कमिश्नर साहब था उसमें, पूरे प्रदेश ने सुना क्यूज था, मंत्री साहब आज भी मेरे में आज भी क्यूज है, बाद में पता लगा सीबीआई सीबीआई उसमें क्या किया है, गुनाह कबूल करवा लिया जाता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, ये बात उसके परिजनों की ओर से कही जाती है, अशोक के परिजनों की ओर से, उस मामले में बिल्कुल लिखे जाएंगे। पुलिस को लेकर सवाल किया मैंने, कपूर साहब से करना था, जवाब मिल गया। डिग्रा साहब, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, मैं कांग्रेस का पक्ष जान लूं एक बार के लिए। देखिए मैंने पहले भी कहा जितने मामले हो रहे हैं सभी जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं वो सारे सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पुलिस तंत्र पे विश्वास नहीं रहा, और जहां तक सरकार है वो सरकार सोई हुई है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इसी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है, हम गवर्नर साहब को यही कहने गए थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल की है उसमें सरकार का काम ठीक से चल सके। अभी मान साहब आपको बीच में बोलने की आदत है, आप अपने टाइम पे बोलते थे, मैं बीच में नहीं बोलता आपके, आप बीच में क्यों बोलते हो, आप अपनी बात कह रहे थे करो आप अपनी बात, लेकिन आप बात सुनिए, जहां तक सरकार का फेलियर है, इस सरकार इस चीज को मानने को भी तैयार नहीं। आज रोज रोज मामले हो रहे हैं, आप प्रद्युमन का मामले की जिक्र कर रहे थे, प्रद्युमन के मामले में क्या हुआ, वो जो पहले उसकी इतनी मार पिटाई हुई उन पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने, ये बताएं आप, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि आपने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो बेचारा कंडक्टर जो था वो गरीब आदमी है, उसके हाथ में क्या है, मार खाई उसने, जहां कितने मामले हो गए, आप हर डिस्ट्रिक्ट का है, जानसार वाला मामला ले लें, अगर आप ये बात करें, आप के समय में जो व्यक्ति भारत में भी नहीं था उसके ऊपर आपने पर्चा दर्ज कर दिया था। अरे भाई आप राजनीति पे बलात्कार जैसे जन्य अपराध पर चर्चा हो रही है और आप राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। आप क्या कर रही है, सवाल यही है पैनल पर, कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड मिल चुका है लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, आप सुनिए एक बार के लिए। शालिनी जी, सामाजिक तानाबाना कितना बिगड़ा है। ज्योति जी, मैं ये डिबेट सुन करके मैं अभी ये सोच रही थी कि हम किस विषय पर हैं, हम क्या बात करना चाहते हैं, और इत्तेफाक से आप और मैं दोनों ही जो है महिलाओं के दर्द को महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर बीइंग द वुमेन हम ये समझ सकते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है इससे हमारे दिलों पर या वुमेन के दिल पर क्या गुजर रहा है। यहाँ पर जितनी भी चर्चा हो रही है, जो भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक ताने बाने को अब बहुत जरूरत है कि पुलिस बहुत एक्टिवली काम करे, बहुत सक्रिय तरीके से काम करे। हाँ। कपूर साहब अभी बता रहे थे, क्योंकि उनके पास अनुभव है कि कौन कौन से उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। डिंगरा साहब, जो बात आप ये कहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, ये तो सब सरकारें कहती रहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो जो विपक्ष को कहेगी, ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस बीजेपी को कहेगी। आप यदि समाज में जाएं और आप देखें, समाज में जो मैसेज बार बार जा रहा है, समाज इसे कहां पर प्रताड़ित हो रहा है, वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी। ज्योति भी यहां पर है, मैं भी एक महिला हूं, महिलाओं में हम लोग उठते बैठते हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम खुद इतना अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। और कभी कभी दुख होता है, एक सीरियल बना था बहुत अच्छा कि अगले जन्म मोही बिटिया न कीजिए। आप यकीन मानिए कि इतना सशक्त होने के बाद, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने के बावजूद, बहुत मजबूत औरतें होने के बावजूद हम लोग भी डरे हुए हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हरियाणा के अंदर जो सामाजिक ताना बाना है इससे नहीं बिगड़ेगा। और आप ये देखिए, सरकार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, कपूर साहब की बात पर भी प्लीज गौर करिए
कि हमारे मॉरल वैल्यूज को, हमारे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हिमांशु जी, अगर आप अधिवक्ता हैं, आप बिल्कुल क्लॉजेस निकाल करके लाइए, आप कोई ऐसे नियम बताइए ताकि सख्ती के साथ इन सारे के सारे रूल्स को लागू किया जा सके। हरियाणा की बेटी, सभी कोशिश करिए मिलकर के, हरियाणा की बेटी मिस वर्ल्ड भी बनती है, पूरी दुनिया में नाम रोशन करती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सरकार सुरक्षा भी नहीं दे पाती। देखिए ज्योति, पहली चीज तो ये है, शालिनी जी ने दोबारा से फिर उसी बात का जिक्र किया, सामाजिक चेतना का, और इस बात से कतई मेरे ख्याल कोई इनकार नहीं करेगा कि सामाजिक चेतना की बहुत जरूरत है, सामाजिक भाईचारा जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए इन सब। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती शालिनी जी, आपसे भी पूछूंगा, हम सरकार क्यों चुनते हैं? हमारा सरकार चुनने का कारण यही होता है कि हमें सुरक्षा महसूस, सुरक्षित महसूस करें, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, हमें अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये इसीलिए हम अपनी सरकार चुनते हैं। और सरकार जब वो चीजें ना दे पाए तो सवाल किससे पूछेंगे? किसी भी देश को वैसे नेता मिलता है जिसका वो हकदार होता है, अगर नेता गलत है तो जिम्मेदार है हम। इस बात से भी आज की सरकार को मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। नंबर एक, स्टेट अमेंडमेंट लाएं, स्टेट अमेंडमेंट के अंदर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान लाएं, और प्रावधान जो है वो सिर्फ 18 साल से नीचे के लिए नहीं लाएं, 18 साल से ऊपर के लिए लाएं, हर बेटी के लिए, हर बहू के लिए। दूसरी बात, दूसरी बात, कंपनसेशन से रिलेटेड, कंपनसेशन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ जरूर आए, जिसके तौर पे वो कांग्रेस सरकार ने 3 लाख रुपए का मामला नहीं है यहाँ पे, गुड इंटेलिजेंस सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए, तो पुलिस प्रशासन में भी सुधार की जरूरत है, सरकार को ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और बेटियों को सुरक्षा दिए जाने की बड़ी जरूरत है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।